यास साई, आज एक बात बताइए, आपने कभी किसी से इश्क किया है? मैंने किया है, और इश्क करने में जो मजा आता है ना, वो छोटे मोटे प्यार में तो आता ही नहीं है, क्योंकि इश्क में जो जुनून है, जो पागलपन है, जो नशा है, वो और किसी प्यार में नहीं। अब मुझे नहीं मालूम आपने किससे इश्क किया है, पर मैंने तो अपने बाबा से इश्क किया है, और बाबा से इश्क करके जो मेरे जीवन में खुशी, सुकून, आशीर्वाद, जो मेरी आंखों में चमक, ये सब कहाँ से आया? ये सिर्फ 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 मेरे साईं का प्यार है और कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता आपने अपने बाबा से कितना प्यार किया है, पर अगर सिर्फ प्यार कर रहे हैं ना, तो थोड़ी कमी रह जाएगी। अब आप सोचिए, हमें बाबा ने ये जीवन दिया, हम जन्म लेके इस दुनिया में आए, कुछ तो खास करके जाना चाहिए हमें, ऐसे तो लौट के जा नहीं सकते। अब वहां जाके बोले, बाबा इस जन्म में मैंने आपसे बहुत प्यार किया, काफी नहीं है। बाबा आपसे मैंने इश्क किया, मुझे कुछ और नजर नहीं आता था आपके सिवा, मुझे और कुछ सूझता नहीं था आपके सिवा, मेरी हंसी में आप, मेरी खुशी में आप, मेरी सांसों में आप, मेरी धड़कन में आप, मेरे भीतर जो खून बह रहा है उसमें साई साई, हर जगह सिर्फ आप ही आप। ऐसे इश्क करें तब तो कुछ मजा आए। ऐसा है कि जब हम प्यार करते हैं तो बाबा भी हमें प्यार करते हैं, पर जब हम पागल हो जाते हैं इश्क में, तो जिस तरह से बाबा हमें वापस इश्क करते हैं ना, उसका तो कोई आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। क्योंकि मैंने देखा है बाबा का इश्क। अब मैं रोना तो नहीं चाहती, पर रो दूंगी अगर थोड़ी देर और बात करी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब हमारा ईश्वर हमें प्यार करता है, जब हमारा ईश्वर हमें प्यार करता है, जब वो भी हमसे इश्क कर लेता है, तो वो हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या नहीं कर देता। हमारी आत्मा को पावन करने के लिए, हमारे इस जन्म को पूर्ण करने के लिए, कि जो सीख हम सीखने आए हैं, जो हमें अपने कर्म काटने हैं, सब कुछ इतने प्यार से करा देते हैं बाबा, सब कुछ करा देते हैं। दर्द आता है तो चुपता नहीं, तकलीफ आती है तो गुजर जाती है। प्यार इतना मिलता है बाबा से, इतना मिलता है बेशुमार, कि आप संभाले ना संभाल पाओ, भरते जाते हैं भरते जाते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मतलब मेरा सब कुछ ऐसे एक दिन ना फट करके फट जाएगा, खुल जाएगा, क्योंकि अंदर बाबा भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं कि एक दिन सब कुछ बूम। क्या हुआ? बाबा बहुत ज्यादा अंदर भर गए थे, संभले नहीं, ऐसे भर रहे हैं मेरे अंदर। खैर मजाक नहीं, वो बूम भी होता है जो मैं कह रही हूँ, इन अ डिफरेंट वे। बाबा हमें इतना अपने प्यार से भर देते हैं, इतना भर देते हैं कि वो प्यार फिर बह के सब तक पहुंचने लगता है। बाबा कहते हैं ना अपनी सच्चरित्र में कि सबसे सुंदर प्यार करने का तरीका वो है जब हम ईश्वर को हर इंसान में, हर चीज में, हर जगह देख सकें। The unitive existence that Baba refers to, when he is in everything and he is everything. जब आप किसी इंसान को देखो और आपको उससे भी उतना ही प्यार महसूस हो, क्योंकि आपको पता है आपके बाबा तो उसमें है। अगर आप किसी जानवर को देखो, आपको उसमें भी अपना ईश्वर नजर आए। जब आप सुंदर चंद्रमा को देखो आकाश में, उसमें भी आपको अपने ईश्वर का चेहरा नजर आए। जब सृष्टि के कण कण में आपको सिर्फ अपने बाबा नजर आए, then you have reached that peak of love, which is इश्क की, जिस पागलपन की मैं बात कर रही हूँ, तब आप वहां पहुंचे हैं। क्योंकि सिर्फ बाबा को चाहना काफी नहीं है, बाबा को अगर हम चाहते हैं तो हमें हर चीज में, हर जगह, कण कण में बाबा को देखना है। एंड दैट इज वेयर द चैलेंज कम्स, बिकॉज यू विल फाइंड पीपल हु विल टेस्ट यू, हु विल गिव यू पेन, हु विल कॉज यू हर्ट, तोड़ देंगे आपको अंदर से, ऐसे चीर के आपके दिल को ना फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, फिर भी आपको उनमें बाबा को देखना है, तब मैं मानूंगी कि इश्क है। क्योंकि जब हमें कोई बहुत दर्द देता है, गुस्सा आता है, नफरत हो सकती है, पर अगर उस वक्त में भी आपको प्यार आ सके उस पे, दैट इज लव, कि आप मेरे साथ कितना भी बुरा करो, मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार दूंगी, बिकॉज मेरे अंदर मेरे साई हैं और आपके अंदर भी मेरे साई हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ प्योर लव। इसलिए सिर्फ बाबा से इश्क नहीं, बाबा की सारी सृष्टि से इश्क करना सीखते हैं। क्योंकि अगर हम इस संसार में आए हैं, कुछ तो अच्छा करके जाएंगे,
कुछ तो सीख लेके जाएंगे, इससे अच्छा क्या करेंगे कि हर जगह अपने बाबा को देख पाए, हमारे कर्म भी कट जाएंगे, हमारे अंदर की जितनी भी मैल है, अगर कुछ भी इकट्ठी की हुई है हमने, काले किया मैल, वो सब साफ हो जाएगी, क्योंकि हमें तो हर जगह बाबा नजर आएंगे। कोई बुरा करेगा उसमें भी बाबा को देखेंगे, कोई प्यार करेगा उसमें भी बाबा को देखेंगे। और हाँ, ये सब में बाबा को देखते देखते बाबा को देखना मत भूल जाइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब हम बाबा से इश्क करते हैं पागलों की तरह टूट के, सुबह उठते ही बाबा का चेहरा, दिन भर बाबा से बातें, बाबा के लिए कभी गाना गाना, बाबा के लिए कभी खाना बनाना, बाबा को कभी प्यार करना, और फिर प्यार करते करते उनका नाम लेते लेते सो जाना उन्हीं के चरणों को देखते हुए, दैट इज लव। इसलिए इस जीवन को, चाहे आप कोई भी काम करते हो, आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कुछ भी कर रहे हो, प्यार करने के लिए सिर्फ एक अंदर से दिल की जरूरत है। यू जस्ट नीड दैट हार्ट टू लव बाबा। यू कुड बी डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ, फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर ड्यूटीज, बट लेट दिस हार्ट ओनली बीट फॉर योर साई। आई लव यू। एंड मेरे लिए आप सबके अंदर बाबा हैं, तो जिस तरह वो मुझे भरते जा रहे हैं, उतना ही मैं निकाल निकाल के बाहर वो प्यार आप सबको देती जा रही हूँ। एंड आई एम श्योर यू कैन सी इट, क्योंकि ये प्यार जो मैं देती हूँ, ये वो ही मुझे दे रहे हैं। मेरे पास नहीं तो इतना सारा प्यार कहाँ से आता। बाबा मुझे भर देते हैं, मैं आप सबको भर देती हूँ। सो सेंडिंग आउट लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, सुकून में रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बाबा से इश्क करते रहिए। दैट इज दी most beautiful thing we can do in our lives. I love all of you. Ya Sai. Sai Ram.